यह समस्या ज्ञानपुर ब्लॉक के भोपतपट्टी गांव की है। यहां की कुल अनुमानित जनसंख्या 3500 है। यहां पर धर्मा देवी जैसे 50 मजदूर हैं जिनको 2-2.5 साल से काम नहीं मिल रहा है। नरेगा में कामो नहीं मिलता है, 2 साल पर 3 साल पर 1-2 दिन बदे मिले तो कहां से उतने में का होए। गेहूँ चावल यही मिला तो मजूरी करत है तब तो उनके बेच के नून तेल होता है और लड़के खाता नहीं बचाई के बनी मजूरी। अब वैसा रुपया पैसा वाला लेबराना करा तो मेहरारू हो कहाँ जाए लेबराना करे। अब बता 40-50 दे ही बाभन ठाकुर जबरी काम भी खटवे ही कहाँ इतना पौरुख मिले। सवेरा से जा संझा ला खटके आव यही से प्रधान हैं मिश्रा जी हैं और यही समय सबके काम नहीं देते हैं। काम करे लगी अन्य हमारे सब कटाई चौथाई न करी। आप नरेगा में काम करते हैं? काम तो करते हैं ना, काम नहीं रहा सब। काम कब से नहीं मिल रहा है? ये जब से प्रधान हुआ है तब से भी नहीं मिल रहा है काम। कितने दिन हो गए आपको नरेगा में काम किए? अरे नरेगा में तो साहब हम तो बहुत 1.5 साल साल भर हो गया कम से कम नरेगा में। यहाँ पर मैडम 400 करीब कार्ड धारक हैं और बारी बारी से सबको एक साथ लगाया नहीं जा सकता, बारी बारी से लगाया जाता है। 3 ग्राम हैं, तीनों गांव में बारी बारी से उनको काम दिया जाता है, काम करते हैं। ये है कि इतना जितना वो लोग चाहते हैं इतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी सरकार पैसा देती है उसका उपयोग जो है नरेगा में औरत और मर्द दोनों लोगों को काम देते हैं, तीनों गाँव को मिला करके। इसका तो पेपर है मेरे पास, आप देख लें यहाँ पर कितना काम दिया गया है। हर साल 4-5 लाख का काम कराते हैं, लेकिन बड़ा गांव है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो बारी बारी से कराते हैं, इसलिए कम ही उन लोगों को मालूम पड़ता है, लेकिन काम देते रहते हैं। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि भोपतपट्टी के प्रधान के मोबाइल नंबर 94-50-25-39-26 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि उन मजदूरों को काम मिल जाए। मैं केसा देवी उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।